नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले में बयानबाजी को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत पर बीते मार्च में मानहानि का केस दायर किया था। इसी कड़ी में कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सीएम गहलोत को झटका देते हुए हाजिरी में छूट देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत हाजिरी की बजाय 7 अगस्त को राउस एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की बात कही है। राउस एवेन्यू कोर्ट में अशोक गहलोत ने पुनर्विचार याचिका दायर कर अलग अलग कारणों का हवाला देकर कोर्ट में पेशी से राहत देने की गुजारिश की थी। इसमें सीएम गहलोत ने अपने वकीलों की मदद से कोर्ट से 7 अगस्त की पेशी से राहत देने की मांग की थी। राउस एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने मानहानि केस की सुनवाई करते हुए समन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में अब अशोक गहलोत को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश होना ही होगा। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से कहा गया कि पिछले महीने अदालत में इस मामले में सुनवाई हुई थी। अदालत ने सीएम अशोक गहलोत को पहली बार में ही दोषी मानकर 7 अगस्त को पेश होने को कहा था। मुख्यमंत्री की तरफ से सेशन कोर्ट में राउस एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर की गई। उन्होंने कहा कि हालांकि 2 अगस्त को अदालत ने सीएम गहलोत को राहत देने से इनकार कर दिया, इस मामले में अदालत ने गहलोत को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि इस साल मार्च महीने में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। शेखावत ने कहा था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने न सिर्फ उनके चरित्र का हनन किया बल्कि उनकी दिवंगत मां को भी आरोपी करार दिया। 6 जुलाई को मामले की सुनवाई करते हुए राउस एवेन्यू कोर्ट ने अशोक गहलोत को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए थे। अदालत ने गहलोत को 7 अगस्त को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। इससे पहले दिल्ली पुलिस कोर्ट में तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंप चुकी है। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।